हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आप सब जानते हो बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले के बारे में, और ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। बहस कंप्लीट हो चुकी है, सभी लोग वेट कर रहे हैं फैसले का, और ऐसा बताया जा रहा था कि 10 फरवरी को जो है ये डिसीजन आ सकता है। तो ये डिसीजन क्यों नहीं आया, कब तक आएगा, और ये इस डिसीजन की वजह से और क्या क्या चीज़ें हैं जो रुकी हुई हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज रुकी हुई हैं, ये सभी चीज़ों पर हम इस वीडियो में जो है चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए बात करते हैं फैसले के बारे में कि डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्यों अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जो है डिसीजन नहीं आया। देखिए, जब ये बहस हुई, 3 दिन लगातार चली, तो ऐसा लगा कि इसका जो है फैसला भी जल्द से जल्द दिया जाएगा। लेकिन एक रूल हम सब जानते हैं कि जब भी सुप्रीम कोर्ट में कोई भी फैसला, कोई भी जो है बहस चलती है, उसके बाद फैसला जो है 90 डेज के अंदर देना होता है, 90 दिनों के अंदर। तो जाहिर सी बात है 90 दिन तो अभी हुआ नहीं है, लेकिन उस समय ऐसा लगा था कि 10 फरवरी तक जो है इसका फैसला दे दिया जाएगा। बट क्योंकि ये मुद्दा जो है बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, तो इसमें जो है कोर्ट अपना टाइम लेगी, जजेस जो है अपना टाइम लेंगे और इसमें अपने से सोच करके देंगे। अब हम अगर बात करते हैं कि इसका आगे का जो है डेट कब तक हो सकता है, तो देखो सही अगर बात बताया जाए तो इसमें आगे का डेट कोई भी नहीं बता सकता है। अब जो भी बताएंगे एक अनुमान लगा करके ही बताएंगे, लेकिन हाँ ये तो जरूर फिक्स है कि 90 दिन के पहले जो है ये होगा, लेकिन अब ये कितने दिन पहले होगा ये नहीं बताया जा सकता। दूसरा जो क्वेश्चन है कि इसमें इस फैसले की वजह से क्या क्या चीज़ें रुकी हुई हैं। आप सब जानते हो कि अभी जो है यूपी टेट आने वाला है, आप लोग के क्वेश्चन भी आते हैं कि यूपी टेट कब आएगा, एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, आगे की वैकेंसीज के बारे में पूछते हो आप लोग। ये सभी चीज़ें हो जाती हैं अभी तक अगर ये मामला जो है अभी बीएड वर्सेस बीटीसी का नहीं फंसा रहता तो। लेकिन अब ये विवाद हो चुका है, तो जब तक ये विवाद नहीं सुलझेगा तब तक कोई भी आप बोल सकते हो वैकेंसीज नहीं निकालेगी स्टेट। इसलिए नहीं निकालेगी क्योंकि मानो कि वो वैकेंसीज निकाल लेती है और एग्ज़ामिनेशन भी ले लेती है, रिक्रूटमेंट भी होता है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऐसा फैसला होता है जिसकी वजह से जो है उसको फिर से वो वैकेंसीज का प्रोसेस चलाना होगा। तो इसलिए स्टेट भी इसमें पीछे हट रही है, और इवन ये भी बोल सकते हो कि स्टेट को भी एक एक्सक्यूज मिल ही गया है कि जब तक वो फैसला नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन से स्टेट में ये सब चीज़ें रुकी हुई हैं। अगर बात करो तो यूपी टेट के बारे में, वो पहला जो है वो आप एग्जामिनेशन का वेट कर रहे हो, जब तक इसका फैसला नहीं आएगा यूपी टेट का कुछ भी नहीं हो सकता, वो नहीं निकलेगा भी। तो यूपी टेट एक रुका हुआ है। यूपी में वैकेंसीज आने वाली है बहुत ज़्यादा, ये हम सुन रहे हैं लास्ट ईयर से कि यूपी में वैकेंसीज आएगी और अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है, वो रुकी हुई है इसकी वजह से। बिहार की वैकेंसीज है तो उसके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, ये बोल सकते हो कि थक हार करके जो स्टेट है अपना एक नोटिफिकेशन जरूर निकाल रही है, क्योंकि उसको पता है कि नोटिफिकेशन निकालने के बाद आगे का जो प्रोसेस है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बिहार स्टेट का भी वही है, 7वें चरण का जो है वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। फिर इसी तरह से आप लोगों का जो अलग अलग स्टेट में जो भी वैकेंसीज है उस पर जो है फुल स्टॉप नहीं बोल सकते, बट एक कॉमा जो है इसी की वजह से लगा हुआ है। तो अब ये जो है हमारा बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला, जाहिर सी बात है बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, इसी की वजह से इसमें टाइम लग रहा है। अब इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसा रहेगा जो आप लोगों को जानना चाहिए, या फिर इसके डेट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी जो आप लोगों के कान में डालना है, तो डेफिनेटली हम जो है इस चैनल के माध्यम से आपको लेके आपके लिए लेकर आएंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस।